आज हमारे मनी सेविंग चैलेंज को 30 दिन पूरे हो चुके हैं। एक मजबूत घर की जरूरत है अभी के लिए, और आज हमने गिट्टी भी मंगवा ली और साथ ही में रेती भी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइस, आज एक बहुत ही खास दिन है, क्योंकि यार गाइस आज हमारे मनी सेविंग चैलेंज को 30 दिन पूरे हो चुके हैं। मतलब कि मैंने जो अपनी दुकान के लिए दरवाजा लगाने का एक चैलेंज लिया था ना 30 दिनों के लिए, हर रोज 500 रुपए जमा करने का, तो उस चैलेंज का आज आखिरी दिन है। और आज मेरे पास करीब 15,000 रुपए इकट्ठे, यानी कि अब मैं अपनी दुकान में एक नया दरवाजा लगा सकता हूँ। लेकिन यार गाइस, अभी एक प्रॉब्लम आ चुकी है। मैं अपने दुकान के दरवाजे के बारे में सोच रहा था, लेकिन अभी की कंडीशन कुछ ऐसे है कि हमारे घर की जो छत है ना, उसमें से पानी टपक रहा है। मैंने आपको कुछ दिनों पहले हमारे घर की छत दिखाई थी, जिसके ऊपर यानी कि हमने प्लास्टिक का ये नहीं होता कवर, वो डाला हुआ है पानी से बचने के लिए, और उसमें छेद यार, जिस कारण वहां से पानी टपक रहा था। बहुत यार परेशानी हो जाती है ऐसे में, और बारिश आने के बाद बिजली भी चली जाती है, जिस कारण यार ऐसे घर में सर्वाइव करना थोड़ा सा यार डेंजरस हो जाता है, क्योंकि छत से पानी गिर रहा है। थोड़ा सा सोचकर यार बुरा लगता है। इसलिए यार मुझे लगता है कि मुझे अपने दुकान के लिए दरवाजा नहीं, बल्कि एक मजबूत घर की जरूरत है अभी के लिए। और इसी बारे में मैंने अपने घर वालों से बातचीत की थी, जिसके बाद सभी का यही कहना है कि एक घर बनाया जाए, क्योंकि यार अभी हम जिस घर में रहते हैं ना, उसमें से कहीं से भी यानी कि कीड़े निकल जाते या फिर छत से पानी टपक जाता है, जो कि थोड़ा सा रिस्क है यार। वैसे मुझे पता है कि 15,000 में घर नहीं बनता, लेकिन मैंने इसी के साथ ही और एक चैलेंज लिया था, जो कि 100 डेज मनी सेविंग चैलेंज का था, जिसमें कि हम हर रोज 1,000 रुपए इकट्ठा करते थे। और आज उस चैलेंज को 80 दिन पूरे हो चुके हैं, यानी कि 100 डेज मनी सेविंग चैलेंज के 80,000 और हमारे दुकान का दरवाजा लगाने वाले चैलेंज के 15,000, दोनों मिलाकर 95,000 हो जाते हैं। और साथ ही में मेरे घर वालों ने भी थोड़ी बहुत सेविंग की थी, तो वो सब पैसे में लग रहा हम एक छोटा सा घर बनाने वाले हैं। थोड़ी सी डिफिकल्टी आएंगे यार, क्योंकि घर बनाने के लिए ज्यादा पैसे चाहिए, लेकिन क्या करें यार, जितना है उतने में ही बना ले, क्योंकि यार अभी की कंडीशन कुछ ऐसी है ना, रात में सो जाओ तो ऊपर से पानी टपक जाता है रात में बारिश में, यानी कि आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक बार आपको दिखा भी देता हूँ कि छत की हालत अभी कैसी है। वैसे मेरे दुकान में तो कहीं पर लीकेज नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जो टीन के पत्र हैं वो अभी अभी लगाए। और इस वाले रूम की बात करें तो ये भी एकदम बढ़िया है, तो यही एक रूम है जो कि हम एकदम परफेक्ट कह सकते हैं। अभी के लिए तो हमारे पास यही एक मजबूत घर है, इसके अलावा तो सारे पत्रे की दीवार का यही अकेला घर है एकलौता, और इसमें भी अभी दरारें आने लग गई। ये देखो, यहाँ पर ये दरार देख सकते हो, यहाँ पर ऊपर की साइड में भी, और इस वाली अलमारी के पीछे भी एक दरार आई थी, क्योंकि यार ये वाला घर है ना मिट्टी से बनाया। वैसे आपको बाहर से प्लास्टर दिख रहा होगा, लेकिन अंदर की तरफ ही ईंटों से यानी कि ईंटों के ऊपर मिट्टी लगाई गई थी, और मिट्टी के ऊपर कुछ इस तरीके से सीमेंट लगाया प्लास्टर करके। और अब बात करते हैं हमारे पिछले घर की, जो कि ये रहा, ऊपर से एकदम पत्रे का बना हुआ है, और साइड से भी, दोनों तरफ से इस साइड में भी पत्रे हैं और इस साइड में भी। और मैं बात कर रहा था यहाँ की, जो कल बारिश हुई थी ना तब यही से पानी गिर रहा था कल के समय, यहाँ से पूरी यानी कि ये वाली छत पूरी खोखली है, और यहाँ से पत्र में छेद है, तो यही से बारिश के बाद पानी गिर जाता है, जिस कारण थोड़ी सी मुश्किलें आती है। और गाइस, बारिश के पानी के साथ साथ इसमें हवाओं का भी डर रहता है, क्योंकि एकदम तेज आंधी आ जाती है या फिर तूफान आ जाता है ना, तभी टीम के पत्र यानी कि उनका सामना नहीं कर सकते, तो पूरे हिल जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा डर लगता है। और इसलिए हमारे घर वालों ने प्लान किया है एक मजबूत घर बनाने का, ज्यादा पैसा तो नहीं, लेकिन जितना भी बन सके उतना बना लेंगे, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। वैसे भी दोपहर के 2 बज चुके और मेरी हालत पूरी यानी कि पसीना पसीना हो गया यार, बाहर देखो कितनी तेज धूप है। तो गाइस, अभी हमारे यहाँ बारिश शुरू हो गई, मैं एक बार आपको बाहर चल के दिखाता हूँ। ये देखो सामने की तरफ, ये देखो बहुत ही खतरनाक वाली बारिश यहाँ पर चल रही है। और ये देखो मेरी दुकान की हालत अभी कुछ है, यहाँ पर से यार लीकेज होता है, पता नहीं कहाँ से होता है, ये सामने की तरफ से यहाँ से लीकेज होता है, और नीचे मुझे घड़ा लगाना पड़ा, फ्रिज के ऊपर भी जा रहा है यार थोड़ा थोड़ा। और गाइज, ये हर बार का, जब भी हमारे बारिश आती है छत से पानी टपकता ही है, तो यही कुछ समस्या है जिस कारण घर वाले कह रहे हैं कि एक मजबूत घर बनाओ। और इसीलिए यार मैं अपने दुकान के लिए दरवाजा नहीं, बल्कि एक मजबूत घर बनाने के बारे में सोच रहा हूँ। गाइज, स्कूल के अंदर देखो कितना पानी इकट्ठा हो गया। और यार गाइस, अच्छा हुआ बारिश हुई, अगर बारिश नहीं आती तो सारी फसल यार सूख जाती। गाइस, अभी शाम के 5 बज चुके और बारिश भी रुक चुकी है। वैसे ये देखो हमारे घर के पीछे कुछ इस तरीके का आंगन है, यहाँ पर कुछ ये लगा हुआ था ना, टीन पत्रे लगे हुए थे पीछे की साइड में, वो हमने सब निकाल दिए, क्योंकि यही पर हमारा घर बनाने का प्लान है, इस साइड से लेकर वहां तक। वैसे ये हमारे अकेले का नहीं होने वाला, बल्कि हमारे चाचा जी उनका भी होने वाला है, 2 चाचा जी और हमारा, यानी कि 3 रूम बनने वाले हैं इसमें। और आज हमने गिट्टी भी मंगवा ली और साथ ही में रेती भी, बस थोड़ा बहुत सामान है जो कि आ जाएगा, और जल्दी हमारे घर का भी काम शुरू होने वाला है। यार मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ अपना घर बनाने के लिए, क्योंकि यार कितने दिनों तक ऐसे घर में रहेंगे, ये देखो ना पूरा पानी गिरता रहता है ऊपर से। चलिए गाइस, आज के व्लॉग में इतना ही, आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।